नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। ये देखो भाई, इसकी चाबी देखकर आप बोल नहीं सकते कि ये बेस मॉडल की चाबी है। ये देखो आप, शर्म करो मारुति वालों को, सीखो यार। ब्रेजा भी खरीद लो ना तो नुन्नू वाली चाबी दे देते हैं वो। ये देखो यार, ये होती है चाबी, मज़ेदार। और ये क्या, पर देखो दूसरी वाली में भेदभाव हो गया है, तो भाई ये वाली संभाल कर रखना, ये खो गई तो दिक्कत है, ये दूसरी तो ये मिलेगी आपको। तो दोस्तों भाई, अपने साथ है Hyundai Exter और ये है Exter का बेस मॉडल। भाई अगर आपका बजट 6-7 लाख रुपए के आसपास है तो ये कार बनने वाली है भाई, आपकी फैमिली कार। अच्छी बात ये है कि भाई बेस मॉडल से ही ना आपको इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाती है हेलोजन लाइट्स। यहाँ पर एच शेप की Hyundai वाली जो है आपको DRLs मिलती है, देखने में काफ़ी प्यारी लगती है। यहाँ पर Exter लिखा हुआ है और अभी मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक कराऊंगा क्योंकि इसके डोर काफ़ी हैवी लगे मुझे। यहाँ पर ये जो ग्रिल है थोड़ी सी रफ़ है पर काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब बिल्कुल मैच कर रही है थीम के साथ। यहाँ पर एक स्किड प्लेट मिलती है, ये नट टाइप लग रहे हैं पर ये इसमें बिल्ट इन है काइंड ऑफ प्लास्टिक का। और यहाँ पर जो ओवर व्यू है दोस्तों, इस पर आपको टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता क्योंकि यार देखो बेस मॉडल है तो इंडिकेटर यहाँ पर आता है। ये इसका बोनेट है, मैं अभी आपको इसका इंजन भी चेक कराऊंगा, पर उससे पहले ये देखो आप, मैं बहुत इसको पास से फेंकने वाला हूँ और आप देखना बिल्ड क्वालिटी कितनी हैवी है इसकी। आपको देखो फील तो हुआ ही होगा कि भाई बिल्ड जो है Hyundai ने इस बार बिल्ड में कुछ भी कटौती नहीं कर रखी। और अगर मैं कार की हाइट के बारे में भी बात करूँ ना तो बिल्कुल माइक्रो एसयूवी लगती है। मैं 5'8" हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे क्लोज ही आती है। तो जो Exter है भाई, जिसको भी बुकिंग करनी हो नजफगढ़ में, मैं यूनिवर्सल Hyundai हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर भी चल रहे हैं। और अभी एक डील और आई हुई है कि भाई मार्च वालों के इवेंट की टिकट मिल जाएगी आपको, जो सनबर्न होता है आई थिंक, तो उसका भी पोस्टर मैं दिखाऊंगा भी आपको। ये रहा वो इवेंट का पोस्टर, अगर आप Exter बुक करते हो तो भाई आपको मिलेगा मार्च मेलो से मिलने का मौका, जो EDM बनाते हैं। तो भाई देखो ये कार का इंजन है, इसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और भाई एग्जॉस्ट पाइप इसका फुल कवर ओवर किया हुआ है देखो यहाँ से, तो मतलब भाई स्मूथनेस के मामले में ना इस कार की कोई टक्कर नहीं है भाई। इसके कॉम्पिटिशन में टाटा पंच आती है, उसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, पर यहाँ पर आपको भाई इंजन को लेके कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले। तो भाई ये हो जाती है कार की साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल मिलते हैं ब्लैक कलर के मिलते हैं क्योंकि बेस मॉडल है ऑब्वियसली। यहाँ पर जो क्लैडिंग है थोड़ी सी कम मिलती है, थैंक गॉड, कुछ कार में बहुत ज़्यादा क्लैडिंग आती है। और यहाँ पर ना व्हील कवर नहीं है, आपको इस तरीके के अलॉय मिलेंगे। थोड़ा सा शोर हो रहा है क्योंकि ग्राहक वगैरह आ गए हैं Hyundai में यहाँ पर, तो हल्ला ज़्यादा कर रहे हैं वगैरह। i10 में भाई क्रूज़ कंट्रोल क्यों लगा के देते, तो जिद बहस हो रही है थोड़ी। और भाई कार की जो साइड प्रोफाइल है ना थोड़ी सी यूनिक लुक लेकर आती है, थोड़ी सी यहाँ पे आके ना बैंड होती है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। भाई ये हो जाती है कार की रियर प्रोफाइल। यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि 6 एयरबैग देंगे आपको बेस मॉडल से। ये बात मुझे Hyundai की बहुत अच्छी लगती है भाई, सेफ्टी को लेकर बहुत तगड़ा इनिशिएटिव है। मैं चाहूँगा भाई सारी कंपनी वाला इनिशिएटिव ले ले। यहाँ पर भी आपको बैजिंग मिलती है, यहाँ पर थोड़ा सा पियानो ब्लैक में Hyundai के ऊपर ऐसा कवर सा लगा हुआ है। यहाँ पर जो लाइट्स मिलती है ये भी एच शेप की मिलती है, देखने में अच्छी लगती है। नीचे Exter लिखा हुआ है, यहाँ पर सिल्वर कलर की एक स्किड प्लेट है, यहाँ पर आपको सेंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर है। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ और दोस्तों ऊपर यहाँ पे ना देखोगे तो एक हैंडल सा दिया हुआ है, तो जिसकी अगर हाइट कम है तो वो इसको पकड़ के नीचे कर सकता है यहाँ से, तो इतना बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैंने सोचा पास से भी दिखा देता हूँ, तो आराम से आई थिंक 3 बच्चे और 2 एडल्ट्स का सामान इसमें आ सकता है। जो रियर हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, फ्रंट वाले एडजस्टेबल नहीं है। मुझे कुछ ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले एडजस्टेबल होने चाहिए थे क्योंकि ड्राइवर के लिए ज़्यादा मैटर करता है, बट स्टिल आगे चलते हैं अब। तो भाई ये हो जाती है कार की रियर डोर प्रोफाइल। यहाँ पर सब कुछ ब्लैक ब्लैक है और ऐसे गोल गोल वाला आपको हैंडल मिलेगा घुमाने के लिए। सो ऑल 4 पावर विंडो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ये जो सीट आने वाली है, मैं सबसे पीछे करके आ रखा हूँ ताकि आपको देखो डिफरेंस नज़र आ ही रहा होगा। तो यहाँ बैठ के देखेंगे लेग रूम कैसा है और हेड रूम कैसा आ रहा है अंदर। तो भाई मैं बिल्कुल जनरली बता रहा हूँ, ये लेग रूम आई होप आ रहा हो यहाँ पे। इतना देखो ये इतना मेरे पास लेग रूम है अभी भी यहाँ पे, बींग 5'8" और भाई हेड रूम तो पूछो ही मत। ये देखो भाई इतना हेड रूम और बचा हुआ है, तो भाई मुझे लगता है 6.5 फुट का बंदा भी बैठ जाएगा ना यहाँ पे तो भी मुश्किल ही टकराएगा। तो काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को इसका सीट का जो रिक्लाइनिंग एंगल है काफ़ी सही लगा देखा जाए तो। सो दोस्तों यहाँ पर पीछे कोई रियर एसी वेंट नहीं मिलते हैं, कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, जस्ट एक हैंड ब्रेक मिलती है, आगे कप होल्डर्स मिलते हैं, उसके आगे गियर का लीवर मिलता है और मैनुअल एसी मिलता है और सब कुछ यहाँ पे डार्क ब्लैक ब्लैक मिलता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको। और यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल्स मिलते हैं MID ऑपरेट करने के राइट हैंड पे स्टीयरिंग पे। तो अभी आगे चल के क्लोजर लुक लेते हैं। सेंटर में आपको एक लैंप मिलता है जिसको येलो कलर का आप देख लो सीधा सीधा। ऊपर आपको IRV मिल जाता है, लेफ्ट में आपका टिकट होल्डर। तो यार ये है इसकी ड्राइवर साइड डोर प्रोफाइल, ये बिल्कुल आपको ब्लैंक सा लग रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि भाई ओवरवीएम के कोई कंट्रोल्स यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ पर बस 2 पावर विंडो के ऑप्शन मिलते हैं फ्रंट के,
और सब कुछ इस तरीके से मिलेगा। बट क्योंकि यार जब हम बेस मॉडल लेते हैं तो आपको पता ही है ये चीज़ें नहीं होती है, हालांकि आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो घुमा फिरा के, और ये अपना हो जाता है भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो इस कार की मेन चीज़ है तारीफ़ करने वाली। और इस तरीके का आपको यहाँ पे इसको सेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, हिंदी भाषा में आ रहा है देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि क्या सुविधा चाहिए भाई। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी, ये करवा रहा है विजिबल। और ये हो जाती है क्लोजर लुक, यहाँ पे थोड़ा चमकीला चमकीला डाल देते तो बढ़िया रहता। यहाँ पर हो जाता है आपका ग्लव बॉक्स। सो ओवरऑल देखोगे तो इस तरीके की सारी यहाँ पे आपको एयरबैग की यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगी। बाकी भाई अगर आप लोगों को बुकिंग करनी हो तो आप आ सकते हो यूनिवर्सल ह्युंडई नजफगढ़ में, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, और जैसा मैंने कहा था भाई मार्शमेलो से भी मिल सकते हो, डीजे है जो।